अब इस वीडियो हम पढ़ रहे हैं मेटा टैग इन HTML। हियर मेटा टैग प्रोवाइड्स मेटा डेटा दैट इज डेटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। तो जो आप HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो उससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें ब्राउज़र को प्रोवाइड करनी है तो उस केस में हमें मेटा डेटा को यूज़ करना मेटा टैग को यूज़ करना पड़ता है। मेटा टैग जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मेटा डेटा को। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन के अबाउट डेटा। ठीक है, जैसे अगर सपोज कोई डेटा 5 स्टोर्ड है तो इसकी इंफॉर्मेशन क्या होगा कि ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, बाय फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। तो किसी भी डेटा के बारे में अगर हम कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं मेटा डेटा। HTML डॉक्यूमेंट में भी क्या है, इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर हम कोई डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, मेटा डेटा। मेटा डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन वेब पेज, ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन और ब्राउज़र। तो मेटा डेटा जो है वेब पेज पे आपको नहीं दिखेगा, वो सिर्फ ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, उसे ब्राउज़र समझ सकता है पर्टिकुलर कंप्यूटर का। मेटा एलिमेंट्स आर यूज टू स्पेसिफाई पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, लास्ट मॉडिफिकेशन ETC। जो मेटा टैग के एलिमेंट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन लिखने में, ब्राउज़र को उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने में, उस कीवर्ड्स लिखने के लिए। कीवर्ड्स से क्या होता है कि उस वेबसाइट की सर्चिंग के लिए जो कीवर्ड्स चाहिए होते हैं कि हमारे वेबसाइट सर्चिंग में आए गूगल की, तो आप कीवर्ड्स दे सकते हो। ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट कौन है वो लिख सकते हो, लास्ट मॉडिफिकेशन किसने किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मेटा टैग के एलिमेंट्स को यूज़ करके स्पेसिफाई कर सकते हो, यानी कि ब्राउज़र को बता सकते हो। ये यूज़र को कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। दी मेटा डेटा कैन बी यूज बाय फर्स्ट ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट और रीलोड पेज। तो ये जो मेटा डेटा है उसको हम ब्राउज़र को ये बताने के लिए लिखते हैं कि उसे पता चले कि जो कंटेंट्स आए उनको कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे पेज को रीलोड करना है, कौन सी इंकोडिंग टेक्निक यूज़ करनी है, जो कैरेक्टर सेट यूज़ हो रहा है। सर्च इंजिन्स के लिए हम कीवर्ड्स लिखते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो गूगल की सर्चिंग में टॉप पे आए। तो मेटा टैग ऑलवेज गो इनसाइड द हेड एलिमेंट, हेड टैग के अंदर हम मेटा टैग को यूज़ करते हैं। फॉलोइंग आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ मेटा टैग विथ दी वैल्यू एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये जो फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स हम मेटा टैग के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि मेटा टैग के कुछ ये 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम ब्राउज़र को HTML डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए कि एट्रीब्यूट कौन सा है मेटा टैग का, उसकी वैल्यू क्या होगी और उसका डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट एट्रीब्यूट है कैरेक्टर सेट, कैर सेट, इसमें वैल्यू किस टाइप की होगी, कैरेक्टर सेट। तो बहुत सारे कैरेक्टर सेट होते हैं, जैसे आपने ASCII कोड सुना हुआ है, ठीक, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कीबोर्ड में आप जितने भी कैरेक्टर्स देखते हो उनकी एक इंटीजर वैल्यू होती है, जैसे अल्फ़ाबेट A है तो उसकी इंटीजर वैल्यू ASCII वैल्यू क्या होती है, 65। तो मेमोरी में जाके ये 65 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड स्टोर होता है, ना कि A। तो ये इनकोडिंग टेक्निक्स है, इनकोडिंग टेक्निक्स होती हैं। तो कौन सी आप इनकोडिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो वो कैरेक्टर सेट आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। इट स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट के लिए जो भी HTML के अंदर आपने कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं उसके लिए कौन सी कैरेक्टर इनकोडिंग यूज़ होगी, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कैर सेट से। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज कंटेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, टेक्स्ट फॉर्म में रहती है। गिव्स दी वैल्यू एसोसिएटेड विथ HTTP इक्वलेंट और नेम एट्रीब्यूट। तो HTTP इक्वलेंट या फिर नेम एट्रीब्यूट जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग कंटेंट क्या होंगे उसको स्पेसिफाई करने के लिए कंटेंट एट्रीब्यूट यूज़ होता है। HTTP-EQUIV, तो इसकी वैल्यू होती है, कंटेंट टाइप रहता है इसके साथ और दूसरा रहता है इसकी डिफ़ॉल्ट स्टाइल। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सी यूज़ होती है, रिफ्रेश। तो प्रोवाइड्स एन HTTP हेडर फॉर द इंफॉर्मेशन और वैल्यू ऑफ द कंटेंट एट्रीब्यूट। ये जो HTTP इक्वलेंट है ये क्या करता है, तो कंटेंट एट्रीब्यूट की जो भी इंफॉर्मेशन और वैल्यू है वो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हेडर को ट्रांसमिट करता है। यानी HTTP हेडर जो हमने पढ़ा था उसमें ये इंफॉर्मेशन ब्राउज़र से रिलेटेड पास करता है। नेक्स्ट इज नेम एट्रीब्यूट, ऑथर नेम, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स। नेम एट्रीब्यूट में आप ऑथर का नाम भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कीवर्ड्स लिख सकते हो। ये क्या बताता है, स्पेसिफिक अ नेम फॉर द मेटा डेटा, स्पेसिफाई अ नेम फॉर द मेटा डेटा। तो मेटा डेटा को कोई नेम जो हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम एट्रीब्यूट करते हैं।
तो एग्जांपल देख लेते हैं हम मेटा टैग का। हमने ये HTML 5 में कोडिंग लिखी हुई है, तो हमने लिखा एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप HTML, फिर HTML लिखेंगे हम, हेड लिखेंगे, फिर मेटा कैरेक्टर सेट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं UTF-8, तो UTF-8, तो UTF का मतलब होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है, इसका क्या होता है कि देखो क्या होता है कि इंग्लिश के लिए जो है कीबोर्ड से हमारे कैरेक्टर्स इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं उनके लिए तो ASCII इनकोडिंग टेक्निक सफिशेंट है, बट अगर सपोज कोई लैंग्वेज फ्रेंच में लिखी गई है कोडिंग या फिर अरेबियन लैंग्वेज में लिखी गई है तो उसकी करस्पॉन्डिंग भी हमें क्या चाहिए होगा, अलग इनकोडिंग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो एक यूनिवर्सल इनकोडिंग टेक्निक बनाई गई वो क्या होती है, UTF, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो कोई भी लैंग्वेज में HTML डॉक्यूमेंट बनाया गया हो, HTML के डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को लिखा गया हो, वो उसकी करस्पॉन्डिंग वो इनकोडिंग हो सकती है। तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग इनकोडिंग टेक्निक्स नहीं यूज़ करनी पड़ती हैं, उसके लिए हम कैरेक्टर सेट को यहाँ पर शो कर देते हैं UTF-8। इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर है वो 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि 8 बिट मतलब 1 बाइट, हर कैरेक्टर को 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट के कोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा मेमोरी में, 8 बिट के कोड से स्टोर किया जाएगा मेमोरी में। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, अब हमने यहाँ अपने नेम एट्रीब्यूट में क्या रखा है, डिस्क्रिप्शन, तो उसके कंटेंट में हम बता रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ मेटा डेटा बता रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, कीवर्ड भी हो सकती है, ऑथर नेम भी हो सकती है। तो हमने यहाँ नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन लिखा है और कंटेंट में डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने, क्योंकि कंटेंट एट्रीब्यूट में नेम से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यहाँ पर अगर हमने मेटा नेम कीवर्ड्स ले लिया तो कंटेंट में कीवर्ड्स आ जाएंगे कि हम इस HTML डॉक्यूमेंट में HTML का कोड भी यूज़ करने वाले हैं, CSS भी यूज़ करने वाले हैं, XML भी और JavaScript भी, जिससे जब भी इस टाइप के कोड को इस टाइप के HTML डॉक्यूमेंट को कोई सर्च करे गूगल पे तो हमारा वेब पेज शो हो जाए वहाँ पर सर्चिंग में। मेटा नेम इक्वल्स टू ऑथर, कंटेंट इक्वल्स टू नेहा, कि इस HTML डॉक्यूमेंट को किस ऑथर ने लिखा है उसका नाम भी हम यहाँ पर मेटा टैग यूज़ करके दे सकते हैं, मेटा HTTP-EQIV इक्वल्स टू रिफ्रेश, इसका डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है, रिफ्रेश, और कंटेंट इक्वल्स टू क्या रखा है, 20। ये HTTP हेडर के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि इस HTML डॉक्यूमेंट को हर 20 सेकेंड्स के बाद रिफ्रेश करना है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए कैर सेट, नेम, कंटेंट और HTTP-EQIV, और यहाँ पर हमने किया हेड का क्लोज। देखो मेटा टैग हमेशा किसके अंदर लिखना होता है, हेड टैग के अंदर। तो यहाँ पर हेड टैग क्लोज हो गया, अब आएगा बॉडी टैग। बॉडी टैग में मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, हेड कंटेंट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ मेटा टैग, यहाँ पर ये कुछ कंटेंट लिखनी है जो पैराग्राफ फॉर्म में शो हो जाएंगे। ये बॉडी टैग क्लोज कर दिया और ये फाइनली HTML कोड क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप से हम मेटा टैग को यूज़ कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन ब्राउजर को प्रोवाइड करने के लिए।